नमस्कार दोस्तों, यार तो ये आप होंडा की तरफ से आने वाली एलिवेट देख रहे हैं। इसमें आपको मैनुअल और ऑटो दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ये गाड़ी मिल जाएगी। SVV, VX और ZX ऑप्शनल ड्यूल टोन मॉडल में भी आपको कलर में अवेलेबल हो जाएगी। फ्रंट जब इसका आप लुक देखेंगे तो फ्रंट से आपको एक मस्कुलर लुक प्रोवाइड करवाने वाली है यार साथियों ये गाड़ी। और क्या क्या खास दिया है कंपनी ने वो सारी ही चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पहले तो आप फ्रंट में देखिए, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिलेंगी, यहाँ पर लगे हैं DRL से यार साथियों, और ब्लैक ग्रिल फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। होंडा की बैचिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होने वाली इसकी फ्रंट लाइट। नीचे में आपको फॉग लैंप देखने के लिए मिल जाएंगे साथियों यार, और जो फ्रंट का लुक है वो देख सकते हैं। नेट डिजाइन की ग्रिल इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों यार, इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 220 mm का होने वाला है यार इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो सड़कों से गाड़ी को काफी ज्यादा ऊंचा बना देता है यार, काफी अच्छी बात है। और साथ ही गाड़ी के डायमेंशन की बात कर लें तो 4312 mm की लेंथ, 1790 mm की विड्थ होने वाली है। टायर के साइज की बात करें तो 215/55 और R17। और फ्रंट में आपको यार यहाँ पे MC स्टॉक कॉइल सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। ORVM में यहाँ पर आपको टर्न ऑन इंडिकेटर साथ ही साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ क्रोम डिजाइन वाले डोर हैंडल हैं, साथ में यहाँ पर लगा है बटन यार, तो ऑटोमेटिक ओपन होने वाले। ऊपर में आपको रूफ रेल देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसमें एक और चीज खास है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले तो देखिए यार, इसमें आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है, 677 होने वाली है यार इसकी राइडिंग की रेंज। और रियर का टायर होने वाला है 215/55 और 17 इंची का रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। टूरिज्म बीम XL सस्पेंशन इसमें दिए गए हैं, तो राइडिंग कंफर्टेबल होने वाली है। पीछे का आप देख सकते हैं लुक कुछ इस तरीके का देखने पर लगता है। पीछे में आपको टेल लाइट LED देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर एलिवेट की बैचिंग की गई है, होंडा की बैचिंग है। यहाँ पर L लाइन डिजाइन वाली यहाँ पर LED टेल लाइट, और पीछे में आपको रेन वाइपर देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे का आप लुक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको किया की सेल्टोस की तरह देखने पर लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं IVTEC की बैचिंग है, यानी कि यार पेट्रोल इंजन है 1500 cc का, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले तो यार बैक का लुक देखिए, काफी ज्यादा एकदम ही प्रीमियम सा लुक है। यहाँ पर टूरिज्म बीम XL सस्पेंशन का उपयोग किया है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगे हैं। और साथ ही कर्व वेट की बात कर लें तो 1200 होने वाला है इसका कर्व वेट यार साथ ही। और दोस्तों यार बात कर लें इसकी कीमत की यार, तो 11 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक इसके शोरूम की कीमत होने वाली है, जो लगभग बेस मॉडल की 13 लाख तक जाती है। माइलेज भी काफी बढ़िया है, जो कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज यार वो 17 KMPL बोलती है 1500 cc के इंजन में। अब ये आपको चलाने के बाद ही पता चलेगा यार, हम तो इसका कुछ ऑफिशियल नहीं कह सकते हैं साथियों। यहाँ से आप इस तरीके से बटन को ओपन करके अंदर इसके कैबिन को देख सकते हैं, कैबिन में बैठ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके का होने वाला है इसका कैबिन यार। फीचर क्या होने वाले इसके इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर में वो भी हम आपको बताएंगे यार साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एकदम इन्फॉर्मेटिव वाला इसमें आपको इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर इसका देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों यार, ड्यूल गेज, यहाँ पर लो फ्यूल वार्निंग, डोर एग्जॉस्ट वार्निंग, एग्जेस्टर पर क्लस्टर ब्राइटनेस का यहाँ पर बटन भी दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं इंजन चेक है, 6 एयरबैग इसमें आपको सेफ्टी के लिहाज से दिए गए हैं दोस्तों, ABS, EBD। और साथ में दोस्तों खास बात यह है कि एडास का फीचर भी इसमें ऐड किया गया है, यानी कि यार एडास का फीचर आजकल सारी गाड़ी जो टॉप क्लास की आती हैं और टॉप लेवल की आती हैं उसमें एडास का फीचर है। यहाँ से आप इसकी जो ब्राइटनेस है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की उसको भी कम कर सकते हैं, 2 ट्रिप मीटर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं फ़ोन वगैरह को उठा सकते हैं, और यहाँ पर 10 इंची का आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो यहाँ से आप ब्लूटूथ, नेविगेशन जैसे सारे ही नेसेसरी फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा साथियों यार। वायरलेस चार्जिंग है, चार्जिंग की सॉकेट भी भर भर के दे दी है यहाँ पर Type-C से लेकर, और सारी ही चार्जिंग की व्यवस्था इस गाड़ी में की है। 6/6 ट्रांसमिशन के साथ आती है, ग्लब बॉक्स 10 लीटर का मिल जाएगा साथियों। ड्यूल टोन कलर के साथ ही इंटीरियर है, यहाँ पर केबिन की लाइट लगाई है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर होल्डर हैं दोनों तरफ के यहाँ पर, और ऊपर में ये देख सकते हैं पेनारोमिक सनरूफ, बड़ा सनरूफ है, प्रीमियम गाड़ी का एक आपको फील देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट में स्पेस है कुछ, तो यार साथियों यार स्पेस के लिहाज से काफ़ी बढ़िया लगी है। आपको कैसी लग रही है यार ये भी बताइए। ड्यूल टोन जो इसका इंटीरियर है वो आपको एक लग्जरी वाला फील देगा। होंडा की गाड़ियों में एक लग्जरी वाला फील वैसे तो आता ही है। अब पीछे का हम स्पेस की बात कर लें, पीछे के स्पेस की, तो यहाँ आप देख सकते हैं सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर लगे हैं इसके AC के वेंट्स, नीचे लगाए हैं चार्जिंग के सॉकेट, यानी कि कहीं भी चार्जिंग की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। पीछे से देखने पर आगे का केबिन इस तरीके का लगता है, डोर के हैंडल लगे हैं, केबिन की लाइट लगी है, स्पेस अच्छा है, दो यहाँ पर सीट रेस्ट देखने, हेड रेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। आर्मरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आर्मरेस्ट होने वाला है यार इसका, और अंदर में आपको मिलेंगे कप होल्डर साथियों। तो अच्छी चीज़ है, सीट की जो कुशनिंग है वो आरामदायक है, कंफर्टेबल है साथियों यार। 458 लीटर
का इसमें होने वाला है बूट स्पेस यार, तो अगर आप लॉन्ग राइड के शौकीन हैं तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। साथ में दोस्तों यार नीचे स्टेपनी रखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा स्पेस, और साथ में दोस्तों यार ये सीट भी फोल्डेबल होने वाली है। और यार बात कर लें यार इसके इंजन की, तो इसमें ताकत देने के लिए लगा है 1500 cc का इंजन, 4 ब्लेड 4 सिलेंडर इंजन होने वाला है यार दोस्तों, 119 bhp की पावर, 145 Nm का इंजन टॉर्क देने वाला है यार साथियों। तो दोस्तों यार क्या ये किया सेल्टोस का पैरेलल बन सकती है और क्रेटा का कंपनी का कहना है, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों यार, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।